ठीक, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब कुछ तैयारी ठीक ठाक है? अच्छा, ठीक तो होनी ही चाहिए। वैसे भी दिवाली, छठ पूजा, इसकी छुट्टियां हो चुकी हैं, और देखना पढ़ाई से इतनी दूरी मत बना लेना कि बाद में यही आपसे दूरी बनाने लगे, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ इन कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन है एक कॉनकेव मिरर में हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि वन बाई वी इज प्लस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ। आप सबको पता है कि वी जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो प्रतिबिंब बनता है उसका डिस्टेंस होता है। U इक्वल टू होता है क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड F इक्वल टू होता है फोकस। F से होता है फोकस। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या? तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं साइन कॉन्वेंशन के बारे में। साइन कॉन्वेंशन हिंदी में कहते हैं इसको चिन्ह परिपाटी। ये क्या होता है? जब तक साइन कॉन्वेंशन आप लोग नहीं जानेंगे तब तक ये थ्योरम प्रूफ नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहेंगे कि मिरर से रिलेटेड, मतलब दर्पण जो हम लोग पढ़ते हैं मिरर, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को बनाना हो, क्वेश्चन अगर आप जैसे उसमें न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करते हैं, तो बिना इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी जानना है, क्योंकि देखिए फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल्स ठीक से नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल्स को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप फिजिक्स नहीं जानते। न्यूमेरिकल्स इतना ज़रूरी है फिजिक्स के लिए कि वही तो एप्लीकेशन है फिजिक्स का। जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं वही एप्लीकेशन है कि आखिर फिजिक्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम फिजिक्स पढ़ते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब लगता है अच्छा फिजिक्स यहाँ पे है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल्स ज़रूर बनाना है। आप लोग जब भी कोई चैप्टर बनाते पढ़ते हैं, जैसे आप मिरर पढ़ेंगे, आगे लेंस पढ़ेंगे, तो उसमें से जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं, मेरे समझते आपको फिजिक्स बढ़िया से समझ में नहीं आती है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है बनाना। खैर, साइन कन्वेंशन में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपका अगर कॉनकेव मिरर हो, ये उसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यहाँ पे होता है एफ, यहाँ पे होता है आपका सी। जितना दूर एफ होता है ये डिस्टेंस जो होती है वही ये डिस्टेंस होता है। तो साइन कन्वेंशन में कहता है ये कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट में रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं। इस बात को ख्याल रखना है आप लोगों को कि लेफ्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। और इसके पहले यहाँ पे ये होता है आपका पोल। तो पोल से पहले के जितने भी डिस्टेंस होते हैं इसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं, माइनस में चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए, अगर कहा जाए कि वस्तु की दूरी क्या है, तो यू इजकल टू, अगर मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखी गई है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यू इजकल टू हमेशा हम लोग लेंगे -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि किसी भी मिरर के लेफ्ट में, लेफ्ट की सभी डिस्टेंस जो होते हैं वो होते हैं माइनस में, नेगेटिव में हम लोग करते हैं उसको, रखते हैं वैल्यू उसका। और इसके पीछे मतलब कि इसके इधर के जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। पहला ये है। दूसरा ये है कि हम लोग जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं पोल से। जो भी दूरी होगी आपको पोल से ही चेक करना है।
अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर है तो हम लोग यहाँ इसको यू अगर रख रहे हैं तो ये मतलब कि ये पोल से यहाँ तक की दूरी है। हर दूरी जो है वो दर्पण के थ्रू से मापी जाती है। साइन कन्वेंशन का दूसरा रूल कि प्रत्येक दूरी जो होती है वो कहाँ से मापी जाती है, दर्पण या कह सकते हैं मिरर के ध्रुव मतलब पोल से, यहाँ से मापी जाती है प्रत्येक दूरी। तो दो बातें सबसे पहले याद रखेंगे कि लेफ्ट में जो होगा, लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब लेफ्ट में रख देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस होता है। मतलब कि जब भी हम लोग फिजिक्स बनाएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करेंगे तो यू इजकल टू हमेशा हमारा माइनस में होना चाहिए। ये माइनस यही शो करता है कि ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि हम वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। राइट में जो भी इमेज का इमेज अगर मान लो कि राइट में बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी दूरी जो होगी वो हमेशा प्लस में होगी, पहली बात। दूसरी बात ये हमने बताया था कि प्रत्येक दूरी जो होती है वो कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो दो बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि अगर ऊपर अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट की अगर हाइट की बात करनी हो तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इस तरह से रखे हैं तो ऊपर की सभी दूरियाँ प्लस होती है, और अगर नीचे अगर कोई चीज़ बनता है, अगर कोई इमेज बनता है तो उसकी दूरी जो होती है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, अगर एक लेते हैं यहाँ पर, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये होता है आपका सेंटर। इस सेंटर से इधर की सभी डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि ये प्लस में मापते हैं, इधर माइनस में मापते हैं, ऊपर वाला प्लस में मापते हैं, नीचे माइनस में मापते हैं। ये आप लोग नाइन्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आप लोग को पता है कि इधर के सभी डिस्टेंस प्लस माइनस, ऊपर प्लस वहीं माइनस, यही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये साइन कन्वेंशन में भी वही चीज़ बताया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। इसमें इतनी बातें आप समझ गए कि जो ये v होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, f से फोकस होता है। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं यहाँ पे कि f इजकल टू होता है r बाई टू, मतलब कि r इजकल टू टू f। हम लोग को ये बात पहले से ही पता है कि ये जो इसका होता है जो रेडियस होता है, रेडियस जो होता है फोकस का क्या होता है, दो गुना होता है। रेडियस जो होता है फोकस का दो गुना। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे ये होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि इसको ज़्यादा समझना हो, लेकिन फिर भी देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक बना दिए हम लोग कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इधर हम लोग इसको कलर कर देते हैं। ये हो गया हमारा मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसको P मान लिए। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं F, ये हमारा हो गया C। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि अनंत और जो स्थिति है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम वस्तु को रखती है। यहाँ से चलता है, आप लोग इमेज देखे होंगे अपने बुक में, यहाँ से चलेगा ये एक चलेगा इसका रे, और ये फोकस से होकर निकल जाएगा बाहर। ये फोकस से होकर के बाहर निकल गया और एक जाता है वक्रता केंद्र से। ये मान लीजिए दर्पण यहाँ से इस तरह से है और यहाँ पे इसका इमेज बन गया ये वाला, ये हो गया। यहाँ से जो चला ये लौट करके फिर इसी पे वापस चला गया, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, एक जाता है यहाँ पे टकराने के बाद इससे होकर जाता है। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, इसका नाम रख देते हैं M, ये हो जाएगा आपका AO, इसका नाम रख दे अगर IB। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये इमेज का हाइट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं और इमेज जो हमारा बन रहा है, मतलब कि वस्तु को अगर हम लोग अनंत और C के बीच में अगर रखते हैं तो देख रहे हैं कि इसका इमेज बनता है C और F के बीच में,
ठीक, पहली बात हम लोग जान लिए। दूसरी बात ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब हम इधर रखे हैं, मतलब कि इस मिरर के लेफ्ट में रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट की दूरी, ये जो पी ए की जो दूरी होगी, पी ए जो होगा वो माइनस यू होगा, क्योंकि हमने बता दिया है कि लेफ्ट में वस्तु को रखते हैं और प्रत्येक दूरी जो इधर की होती है लेफ्ट वाली वो माइनस में होती है। अच्छा, इमेज दूरी तो है जो है हमारी है वो पी आई, ये भी लेफ्ट में ही है, ध्यान से देखिए इधर ही है, तो इसलिए इसको भी रखेंगे हम लोग माइनस भी, इमेज का डिस्टेंस भी माइनस भी होगा क्योंकि इसी साइड में है, उस साइड में रहता तो प्लस हो जाता। तीसरा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारे पास, ये हमारा जो फोकस है पी एफ, ये है, ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये भी इधर ही है, और यहाँ पे जो हमारा पी सी है, पी सी क्या है, माइनस आर इज इक्वल टू माइनस टू एफ, ये भी इधर ही है, सारे लोग लेफ्ट में है इसलिए सभी डिस्टेंस जो होगा वो माइनस में होगा, ये हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। पी ए माइनस यू, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस, ये पी एफ जो है वो माइनस एफ होगा, ये फोकस दूरी है, और ये पी सी जो है वो माइनस आर है, ये टोटल क्या है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये टोटल हमारा जो है रेडियस है, और रेडियस जो होता है वो टू एफ के इक्वल होता है, इसलिए माइनस आर इसलिए माइनस टू एफ हो गया, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसका यूज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ लिया है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि दो ट्रायंगल अगर हों हमारे पास, कोई दो ट्रायंगल हों और उन दोनों ट्रायंगल का कोई दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए, केवल दो एंगल, तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और जब 180 डिग्री होता है तो किसी दो कोई दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलकर 180 होना है। तो अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल दिखा देते हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे ए ओ सी, लिखेंगे यहाँ पे सल्फ, या सल्फ पे अच्छा है लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी ठीक, और इसके बाद हम लोग लेते हैं आई बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल आई बी सी। अब आप पूछेंगे क्यों, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, या अच्छा रहेगा कि ए ओ सी एंड लिख देंगे यहाँ पे, एंड इस अच्छा रहेगा इस तरह से लिखना, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल आई बी सी, ए ओ सी एंड आई बी सी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये 90 है ये भी 90 है, क्योंकि कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट जो होगा वो 90 डिग्री पे ही रखा जाता है, हो गया, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो एंगल हम लोगों ने इक्वल कर दिया, लिख देंगे यहाँ पे एंगल ओ ए सी इजकल टू ओ ए सी इजकल टू बी आई सी इजकल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ओ सी ए इजकल टू एंगल ओ सी ए इजकल टू बी सी आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसलिए ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ए ओ सी सिमिलर ट्रायंगल आई बी सी। इतनी बात आप लोग जान गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए ए, ए एक कोरोलरी, ए ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप सबको पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया ये, अब उनके जो भुजाएं होती हैं, उनके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, मतलब कि रेशियो में, उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ए ओ अपॉन, इसका एक ऑब्जेक्ट है आई बी, ए ओ मतलब कि ऑब्जेक्ट अपॉन में हो जाएगा हमारा क्या, इमेज इजकल टू
ये वाला डिस्टेंस इस ट्रायंगल का, ये एसी एक डिस्टेंस जो है, तो एसी अपॉन इसका डिस्टेंस है सी आई। लेने को हम लोग ले सकते हैं इस रे को भी, ओसी और सीबी को, लेकिन ये रे है, किरण है, इनको लेने से कोई फायदा नहीं है, लाइनिंग नहीं है, बस ये रे है, टॉर्च जैसे जलाते हैं रे जा रहा है उस तरह से वो है, तो उसको लेने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए इसको इतना ही ले लेते हैं। और इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी प्रकार से ट्रायंगल एम पी एफ और बी आई एफ सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल बी आई एफ, देखिए ध्यान से बी आई एफ एम पी एफ ये वाला ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तो 90 है ही, और ये दोनों में ट्रायंगल एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से, तो ये दोनों भी उसी तरह से सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसकी भुजाओं को कैसे लिखेंगे, एम पी। अब ध्यान से आप देखिए, ये ए ओ और एम पी एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से जो रे जाती है वो एकदम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वही ये डिस्टेंस होगा, तो हम लोगों ने ले लिया एम पी, मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहीं वाला वो डिस्टेंस है, अपॉन में यहाँ भी देख रहे हैं इस ट्रायंगल में भी आई बी ही आ रहा है, आई बी ही हमारा आ रहा है यहाँ पे, इमेज इज कॉल टू ये डिस्टेंस क्या है पी एफ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, अगर मान लीजिए टी, तो ये पी एफ और टी एफ एक दूसरे के इक्वल होंगे, पी एफ और टी एफ ये एक दूसरे के इक्वल माने जाएंगे, क्योंकि हम जो लिए हैं, हमारा जो दर्पण है, जो हमारा मिरर है, वो काफ़ी छोटा है, और जब ये छोटा है तो ये डिस्टेंस जो है लगभग इसको एक बराबर मान लेते हैं, मतलब लगभग बराबर है, इतना कम माइनर डिस्टेंस का इतना ज़्यादा फर्क कम है कि इसको हम लगभग बराबर मान लेते हैं, तो हम लोग एफ टी को और पी एफ को, मतलब पी एफ इक्वल टू टी एफ लगभग हम लोग इसको बराबर मान लेते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पी एफ अपॉन में एफ आई। यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा ये जो मिरर है, जो हम लोगों ने मिरर लिया है, ये काफ़ी छोटा साइज का लिया है, तो छोटे साइज के लेने पर वो जो डिस्टेंस है वो लगभग उसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में कह सकते हैं कि डिफरेंसेज हैं, तो जब डिफरेंसेज कम है तो लगभग उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इक्वल मान लेते हैं। इसको हम लोग मान लिए दूसरा समीकरण। अब ये हो गया, ये हो गया, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये और ये आपस में इक्वल है, क्योंकि आई बी और आई बी तो इक्वल है, और ए ओ और एम पी, ए ओ और एम पी आपस में इक्वल है, तो अगर लिखते हैं हम तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू, माने दोनों का अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग करने पे हमारा क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग करने पे हमारा आ जाएगा ये इजकल टू ये, मतलब कि ए सी अपॉन सी आई इजकल टू पी एफ अपॉन एफ आई, ये हमारा आ गया, और इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। इतनी बातें जब हमारी आ गई तब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको इसको लेकर के आगे बढ़ना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है, तो क्या करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पी ए इजकल टू माइनस यू, पी आई इजकल टू माइनस भी, पी एफ इजकल टू माइनस एफ, और पी सी इजकल टू माइनस आर इजकल टू माइनस टू एफ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा इसको मिटाते हैं, क्योंकि जगह की कमी है, बोर्ड छोटा है, तो बोर्ड छोटा है तो कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट करेंगे हम लोग कैसे भी, देखते हैं। अब हमारे साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमें अब साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी कि साइन कन्वेंशन क्या अब हमको कर रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले ए सी दिया हुआ है, ए सी हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि प्रत्येक जो दूरी है, जो भी डिस्टेंसेज होते हैं, उसको हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, कोई भी मिरर हो उसके पोल से। तो इस ए सी को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस ए सी को लिखने के लिए लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी। इस ए सी को देखिए, यहाँ भी पी आ गया, यहाँ भी पी आ गया, मतलब कि जो भी लिखेंगे उसमें पी आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सारे डिस्टेंसेज पी से मेजरमेंट कर रहे हैं। अपॉन में सी आई, सी आई, अब सी आई को लिखना हो तो पी सी माइनस पी आई, फिर इसमें भी पी पी आ गया,
पी आना जरूरी है, पी अगर नहीं आएगा तो समझ लो कि हम लोगों ने कोई भी डिस्टेंस पी से नहीं मेजरमेंट किया है। इट्स कॉल्ड टू पी एफ, पी एफ तो ऑलरेडी इसमें पी है इसलिए पी कुछ नहीं सोचेंगे इसके बारे में। अपॉन में एफ आई, एफ आई को लिखेंगे पी आई, पी आई माइनस पी एफ, ठीक, पी आई माइनस पी एफ। इतनी बातें आगे क्लियर हो गई। यहाँ भी पी 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 सब आ गए, इसका मतलब कि सभी डिस्टेंसेज जो है वो कहाँ से मेजरमेंट किए गए हैं, पोल से, ठीक। इतनी बातें मैं इसलिए क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि आपको हर बार समझ में आए, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पी ए, पी ए व्हाट इज पी ए, तो पी ए इज कल टू माइनस यू, कोई बात नहीं माइनस यू, माइनस पी सी, पी सी इज कल टू है वहाँ पे माइनस टू एफ, तो माइनस टू एफ, ठीक, अपॉन में पी सी, फिर पी सी आ गया तो फिर माइनस टू एफ, माइनस पी आई, पी आई है वहाँ पे माइनस भी, तो माइनस भी लिख दिए। वहाँ पे अपने अपने को देखना है इज कल टू पी एफ, पी एफ है माइनस एफ, अपॉन में फिर क्या है पी आई माइनस भी, फिर क्या है पी एफ, पी एफ है माइनस एफ, तो माइनस एफ। ये क्लियर हो गया। इतना हम लोगों ने क्या किया कि सबको सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक, वैल्यू पुट कर दिए सबका। अब देखते हैं कि अब तो हमारे पास जगह है नहीं, तो अब हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसका हो सकते अगर ले सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि इसमें जगह अब हमको दिख नहीं रहा। और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अब इसी को मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब फिगर से जो भी हमको चाहिए था वो हम लोग को मिल गया है, तो अब हम लोग फिगर को ही मिटा देते हैं। और फिगर मिटाने के लिए यहाँ से हम जो है इस तरह से फिगर अब मिटा दिए, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, और इधर ये भी अब हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ पे अब हम लोगों को स्पेस मिल गया, ठीक, यहाँ पे ठीक ठाक अब हम लोगों को स्पेस मिलता गया है। यहाँ पे पहले एक चीज़ लिख देते हैं, जगह की कमी है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी का यू से करेंगे तो भी यू, माइनस माइनस प्लस, फिर करेंगे हम लोग, नहीं एक काम और कर लेते हैं, पहले इसको एक बार ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन में माइनस टू एफ प्लस भी इजकल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस भी प्लस एफ। यहाँ पे ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले इसको करते हैं हम लोग, तो माइनस भी से माइनस यू का जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा भी यू, माइनस भी से माइनस यू का, माइनस भी से इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू भी एफ, फिर एफ में यू का करेंगे तो होगा माइनस यू एफ, और एफ में टू एफ का करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग सबको पता है कैसे किया जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस एफ में माइनस टू एफ का करेंगे तो हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, ठीक, और इसके बाद क्या है माइनस भी एफ, माइनस भी एफ। अब देखते हैं यहाँ पे टू एफ स्क्वायर दोनों तरफ है ये तो कैंसिल हो गया, फिर हो जाएगा आपका भी यू माइनस यू एफ, ये देखिए माइनस टू भी एफ है इधर जा सकता है क्योंकि टू भी एफ है यहाँ भी एफ है, तो माइनस टू भी एफ जब इस पर जाएगा तो हो जाएगा टू भी एफ माइनस भी एफ, तो ये हो गया आपका भी यू माइनस यू एफ इजकल टू टू भी एफ में से भी एफ जाएगा तो भी एफ। अब क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग डिवाइडिंग यू भी एफ बोथ द साइड, दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा हमारा भी यू यू भी एफ माइनस यू एफ इजकल टू भी एफ अपॉन यू भी एफ,
यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ, एफ से एफ, भी से भी, क्या बचा? वन बाई एफ माइनस वन बाई भी इक्वल टू वन बाई यू, या लिख सकते हैं वन बाई एफ इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा वन बाई यू प्लस वन बाई भी। थ्योरम आपका प्रूफ, यही आपका थ्योरम है। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी अवतल दर्पण में वन बाई भी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ठीक ठाक ले लें, पहले वाले का भी आप लोग ले लें जो वीडियो में दिखा है, और इसको भी ले लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दे, और आप लोग इसको चुटकी बजाइए और सॉल्व।